ये तो बहुत ही अच्छा एक सुअवसर है यहाँ के लिए, जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे 111 कन्याओं का विवाह हो रहा है। नमस्कार, मैं राकेश जोशी, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जनसेवा के द्वारा 111 कन्याओं का विवाह यहां कराया जा रहा है। आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद है एमबी इंटर कॉलेज पर, जहां आज 111 कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। हरि शरण जनसेवा के द्वारा यह विवाह कराया जा रहा है। पिछले अगर हम 6 दिनों की बात करें, तमाम कथा और भागवत यहाँ भी कराए गए थे, जिसमें कल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे, और आज 111 कन्याओं का यहाँ विवाह कराया जा रहा है। तमाम संस्था के लोग और तमाम जो संघ के लोग हैं वो भी इसमें शामिल है, कई समुदाय के लोग हैं, कई अगर हम जोहार समाज की बात करें, चाहे हम बंगाली समाज की बात करें, चाहे हम रैसिक समाज की बात करें, तो हर समाज के लोग भी इस विवाह में शामिल होने आए हुए हैं। तमाम देख सकते हैं, इस समय एमबी इंटर कॉलेज पर हम मौजूद है, जहाँ 111 विवाह यहाँ कराया जा रहा है। तमाम यहाँ देख सकते हैं, हर समाज के लोग भी, मैं कहूँगा एक बार अपने कैमरामैन से कि दिखा दे, यहाँ तमाम हर समाज के लोग भी इस विवाह में शामिल होने आए हुए हैं। कई देश, कई जो है प्रदेश से भी यहाँ लोग जो है आए हुए हैं, कुछ अन्य समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं, मैं कहूँगा कि कैमरामैन से लगातार दिखाते रहे किस तरह से वहाँ तमाम जो अन्य अन्य समाज के लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, कुछ समाज के लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से 111 आज हम विवाह कराए जा रहे हैं, कई समाज के लोग जो है इस विवाह में शामिल हुए, आप लोग भी जो है इस विवाह में शामिल हुए, कितना उत्साह है और किस तरीके से देखते हैं कि हल्द्वानी के इतिहास में पहली बार 111 कन्याओं के यहाँ पे वो करा। बहुत अच्छा है, ऐसे काम समाज को करना चाहिए, क्योंकि हर आजकल के समाज में जो शादी विवाह करते हैं, तो वो हर शादी विवाह में एक प्रे पार्टी क्या बना दी है कि सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां करें, बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखावा हो गया शादी विवाह का। और उसमें क्या होता है, एक गरीब समाज जो है अपनी बेटियों के शादी ब्याह करने में हिचकिचाते हुए वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए इस तरह के समाज सेवा जितने भी लोग कर सकते हैं वो सबसे पुण्य का काम है, और ऐसे उसमें हर समाज को पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसे कार्य को हमेशा करते रहना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं, आपसे जानेंगे, आप हल्द्वानी से? जी हाँ जी। तो हल्द्वानी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 111 कन्याओं का यहाँ विवाह कराया जा रहा है, पूरे विधि विधान के साथ उनका वो कराया जा रहा है विवाह, और कितना उत्साह है लोगों के? ये तो बहुत ही अच्छा एक सुअवसर है यहाँ के लिए, जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे 111 कन्याओं का विवाह हो रहा है। हम लोग यहीं जोहार नगर से हैं और जोहार वैली से बिलोंग करते हैं, और जोहार वैली ने जो वर पक्ष को जो है यहाँ पे एकत्रित करके यहाँ बारात के रूप में यहाँ पे पूरी शादियाँ यहाँ पर ले आए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और भी यहाँ पे कई जो बंगाली समाज के लोग हैं वो भी जो है यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं, अपनी वेशभूषा पहनकर ये लोग भी विवाह में आए हैं, और तमाम यहाँ हर समाज का व्यक्ति है जो इस विवाह में शामिल हुआ है। देख सकते हैं, एक बार पूरा पंडाल, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखा दे किस तरह से यहाँ भारी सैकड़ों की संख्या में लोग इस विवाह में शामिल हुए हैं, हर समाज का व्यक्ति यहाँ विवाह में आया हुआ है, और एक उत्साह भी है लोगों के अंदर, क्योंकि हर संघ हर संस्था के लोग इस विवाह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम कन्यादान की बात करें, बड़ा ही पुण्य कन्यादान को माना जाता है शास्त्रों में, तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं पूरी वेशभूषा के साथ बंगाली समाज के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तो कितना उत्साह है, क्योंकि आपके समाज के भी लोग जो है यहाँ आए, और 111 हल्द्वानी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 111 कन्याओं का। हाँ, हम लोग आए हैं यहाँ सब दूल्हे को, हमने सब वरण किया है, सब बंगाली जो औरतें हैं सब आए हैं सज के, फिर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कलकत्ता से भी कोई लोग आए हैं यहाँ पे विवाह जो? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ के ही रहते हैं। हाँ, कलकत्ता के है, मतलब यहाँ रहते हैं यहाँ। कितने कितने लोग हो आप लोग जो यहाँ इस विवाह में? मतलब 30-35 करीब होगा आसपास। बिल्कुल 35 महिलाएं। देखिए किस तरीके से अपनी वेशभूषा में इस जो विवाह है, कन्या विवाह यहाँ कराए जा रहे हैं, 111 जो कन्यादान यहाँ करे जा रहे हैं, उस विवाह में अन्य अन्य समाज के लोग भी आए हुए हैं, और तमाम संघ के लोग भी इस विवाह में शामिल है। और यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों की बात करें, पिछले 6 दिनों से यहाँ के
क्षेत्रवासी तमाम कथा की बात करें, चाहे भागवत की बात करें, तो उसमें भी वो क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। वहीं वृंदावन की बात करें, चाहे अन्य प्रदेश की बात करें, कई जगह से लोग आए हुए हैं। और हल्द्वानी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 111 कन्याओं का यहाँ विवाह कराया जा रहा है। ऐसे में तमाम जो आसपास के क्षेत्रवासी लोग हैं उनमें भी जो है इस विवाह को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राकेश जोशी, न्यूज़ 18।